नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्टडी आईएएस में। और मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गई हूँ करंट अफेयर्स टुडे। तो आज तारीख है आपकी 13 फरवरी 2021। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम अपनी इस सीरीज में जो आपकी मुख्य खबरें हैं, जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंस रखती हैं, उन्हीं खबरों को हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मुख्य खबरों से। तो पहली खबर की तरफ आगे बढ़ते हुए, पहली खबर आपकी बात कर रही है कि विजयनगर बना है कर्नाटका का 31वां जिला। तो जी हाँ, कर्नाटक सरकार ने हाल ही में अधिसूचित किया है कि विजयनगर आधिकारिक तौर पर कर्नाटका का 31वां जिला बन चुका है और इसका मुख्यालय होसपेट में है। तो विजयनगर जो जिला है आपका, विजयनगर हैदराबाद कर्नाटका क्षेत्र में स्थित है और यह जिला यूनेस्को की विश्व धरोहर का स्थान है, जिसमें हम्पी और विरूपाक्ष मंदिर हैं। तो विजयनगर जिले का जो नाम है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के नाम पर रखा गया है और इस जिले को कर्नाटक भूमि राजस्व अधिनियम 1964 के अनुसार आयसिक समृद्ध बलारी जिले में अलग करके स्थापित किया गया था। तो इस जिले में करीब 6 तालुक शामिल होंगे, जैसे आपका होसापेट, कोटरू, कुडलिगी, ठीक है, और हगीर बोमन हली, ठीक है, फिर आपका हम्पन हली है और होविना हदगाली, ठीक है। तो ये हैं आपके वो 6 जिले जिनका ताल्लुक इससे शामिल है। चलिए अगली खबर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो अगली खबर आपकी बात कर रही है कि जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री यानी कि हमारे राजनाथ सिंह जी ने 11 फरवरी 2021 को नई दिल्ली में जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान के तहत करीब आपके 77,000 जल संचारों का उद्घाटन किया। तो इन जल संचारणों का निर्माण मध्य प्रदेश में किया गया था। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जनता की भागीदारी के साथ जो जल का संरक्षण है उसका कार्य किया जा रहा है। तो ये संरक्षण क्या है, कार्य जल संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में मदद करेगा। तो रक्षा मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जो आपका जलाभिषेकम है, वो ये जो अभियान है वो हर खेत के लिए पानी और हर हाथ के लिए काम के उद्देश्य को पूरा कर रहा है। तो ये अभियान गांव की बेहतरी में मददगार होगा और जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर ये अभियान महत्वपूर्ण भी रहेगा। तो चलिए अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हुए, अगली खबर बात कर रही है आपकी कि जो एग्जिम बैंक मालदीव की परियोजना के लिए $400 मिलियन प्रदान करेगा। तो अब भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एग्जिम बैंक मालदीव को करीब 400 मिलियन अमरीकी डॉलर प्रदान करने वाला है। तो यह फंड ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए प्रदान करेगा, ठीक है। अब जो आपका एग्जिम बैंक है उसने 12 अक्टूबर 2020 को $400 मिलियन की लाइन प्रदान करने के लिए मालदीवी सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो क्रेडिट ऑफ लाइन के तहत समझौता 28 जनवरी 2021 से प्रभावी है। तो ये जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है यानी कि GMCP है, इसके बारे में ये देखिए, GMCP परियोजना मालदीवी के जो आपका वर्तमान राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद, उनको मतलब एक चुनावी वादा था और ये परियोजना गुलीफालू पोर्ट और तिला फुशी औद्योगिक क्षेत्र को 7 किलोमीटर लंबे पुल से जोड़ेगी। तो यह मालदीवी और विलिंगिली और गुलीफालू और त्रिलाफुशी जैसे 4 द्वीपों के बीच कनेक्टिविटी को सुव्यवस्थित करेगी। तो ये आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में मदद करने के लिए और रोजगार भी पैदा करने के लिए किया जा रहा है। तो अगली और आपकी आखिरी खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आपकी आखिरी खबर है कि गोवा बना हमारा शहरी स्थानीय निकायों के सुधारों का
को पूरा करने वाला छठवां राज्य। अब देखिए, गोवा देश का छठवां राज्य बन गया है जिसने शहरी स्थानीय निकाय के सुधारों को सफलतापूर्वक किया है। तो यह शहरी स्थानीय निकाय सुधार व्यय विभाग द्वारा स्थापित किए गए थे और वित्त मंत्रालय ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि गोवा राज्य ओपन मार्केट उधार की मदद से करीब 223 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए पात्र है। तो गोवा के अलावा 5 अन्य राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश है आपका, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, मणिपुर है और तेलंगाना ने पहले ही शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को पूरा कर लिया है। तो इन 5 राज्यों को भी करीब 10,445 करोड़ रुपए की कुल अतिरिक्त उधार की अनुमति दी गई थी। तो यही थी आज के लिए आप लोगों के लिए खबरें। मैं कल आप लोगों के लिए और ऐसी नई खबरें लेकर आऊंगी। तब तक के लिए हमारे साथ यूं ही बने रहें और हमें सपोर्ट करते रहिए एंड अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से करिए। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय, टेक केयर।